गाजा में अल अहली अस्पताल में बम धमाके के बाद अरब और मध्य पूर्व के देश एकजुट होते दिख रहे हैं। इसमें इसराइल के खिलाफ जो देश सबसे आगे है वो है इराक। उसने अल अहली अस्पताल धमाके के बाद सभी मुस्लिम देशों को एक साथ आने की बात कह दी है। जी हाँ, इसके बाद से सभी मुस्लिम देश एक के बाद एक इसराइल के खिलाफ होते दिख रहे हैं। इसराइल से सटा देश जॉर्डन गाजा अस्पताल हमलों के लिए इसराइल को दोषी मानता है। उसका मानना है कि उस हमले में इसराइल शामिल था, जबकि इसराइल ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। वहीं बहरीन, मोरक्को, तुर्की ने भी इसराइल के खिलाफ लामबंदी शुरू कर दी है। आगे आपको बता दें कि बहरीन और मोरक्को ने इसराइल के अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है। सीरिया और लेबनान ने भी हमास के सहयोगी के तौर पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर इसराइल गाजा पर हमले जारी रखता है तो उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। गाजा अस्पताल हमले के बाद सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के रुख में भी बदलाव देखा जा सकता है। जंग की शुरुआत में संयुक्त अरब अमीरात इसराइल के साथ दिख रहा था, लेकिन अब वो इसराइल की आलोचना कर रहा है और सऊदी अरब के साथ अपने मतभेदों को खत्म करते हुए आगे आकर युद्ध में मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है।